बनाऊंगी खोए वाली, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये कैसे बनती है आपको बताती हूँ। मैंने ऑयल गरम कर लिया, एक कप देसी घी है, इसको गरम कर लिया, मेल्ट होके इसमें ये बैटर ऐड कर दूंगी। इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इलायची है, 4 से 5 इलायची है वो ऐड कर देंगे इसमें तोड़ के। इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए अच्छी तरह इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने कचनार उबाल कर रही हूँ, इसका भी आपको बताऊंगी रेसिपी। अभी उबाल करके रख लूंगी, देखें साफ करके मैं उबाल कर रही हूँ कचनार को। इसकी रेसिपी आपको जल्द मिल जाएगी। कचनार मुर्गी बहुत मजे से बनती है। देखिए ब्राउन हो रहे हैं, तो अच्छी तरह ब्राउन कर देंगे, टेस्ट अच्छा आएगा जी। देखिए ब्राउन हो गए, अब इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध मैंने बहुत सारा लिया, 400 और करना गरम है अभी बहुत। करीबन मैंने 1.5 किलो दूध लिया, इसमें ऐड कर दिया, इसी में ये पके ही डन हो जाएंगी। अब ये चीनी ऐड नहीं करनी इसमें, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगी सेवियाँ। चीनी किस टाइम ऐड करनी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी आपको। बेस को पकने देते हैं। इसको ढक्कन देकर रख देते हैं, पकता है अभी, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे क्या करना है। अभी देखिए पानी दूध खुश्क हो गया, खोया बनना शुरू हो गया। देखिए खोया बन गया सारा। अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी करीबन 1.5 कप के करीब इसमें ऐड करना। चीनी ऐड कर दी है, ऊपर से मैंने ढक्कन उतार दिया था, दूध उबल रहा था तो किसी के नीचे ना गिर जाए। इसको पकने देंगे अच्छी तरह। अभी इसको पकने देते हैं, अभी दूध ड्राई नहीं हुआ जी। देखिए पानी सॉरी दूध जो सर बिल्कुल ड्राई हो गया, देखें अच्छी तरह से। अब इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। जी खोए वाली सेमियां पक के तैयार हो गई है, देखें कितनी मजे की बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इसी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ करते हैं खुदा हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके खुदा हाफिज़।